आरपीडी न्यूज में आपका स्वागत है और आज हम खास मुलाकात करते हैं नवनिर्वाचित सरपंच नंदा डोडिया जो कि अभी नारपुरा से चुनाव जीते हैं और उनसे विचार विमर्श करते हैं, उनसे मुद्दे पूछते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में आए थे और अब क्या करना चाहिए। सरपंच साहब, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। तो सरपंच साहब, ये बताइए कि आप एक महिला हैं, तो महिला होने के नाते ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहे? महिलाओं को शिक्षा देने क्षेत्र में, युवा देखो या हर क्षेत्र में देखिए आप, तो नशा बहुत ज़्यादा है, नशे को रोकने के लिए आपके क्या प्रयास रहे? इसके अलावा मैडम, विकास के मामले में क्या क्या करें? जैसे ग्राम पंचायत के अंदर बहुत सी समस्या आती है, जैसे पेयजल है, शिक्षा है, उस पर आपके क्या विचार है? बिल्कुल मैडम, जैसा कि आपने बताया कि ग्राम पंचायत के लोगों को रोजगार है, महिलाओं को खान है, उनके लिए विकास करें, शिक्षा के क्षेत्र में भी आप कह रहे हैं कि हम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा या बालिकाओं को शिक्षा के प्रति भी जागरूक करेंगे। इसके अलावा मैडम, एक सबसे बड़ी समस्या आती है पंचायती राज के अंदर, और आपने सुना होगा कि भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के बारे में क्या ख्याल रहेगा, भ्रष्टाचार को रोकने के क्या प्रभावी कदम रहेगी आपकी? टिकट समस्या है तो उसको तो रोकना बहुत जरूरी है। इनके साथ ही जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनसे बात करते हैं। जब युवा बहुत बड़ी शक्ति है, अगर युवा ठान लेते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे तो 100% खत्म होगा। तो ऐसी स्थिति में राजेंद्र जी, आप तो युवा हैं, तो युवाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नाहरपुरा की सरपंच श्रीमती नंदा देवी ने आरपीटी न्यूज़ की टीम को बताया कि यह जीत मेरी जीत नहीं, जनता की जीत है। जनता ने जिस प्रकार मुझे सरपंच पद पर बिठाया है, मैं जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मेरा उद्देश्य ग्राम पंचायत की बालक बालिकाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से जोड़ना व युवाओं को रोज़गार, ग्राम पंचायत के बुजुर्गों को पेंशन लाभ, सरकार से मिलने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। साथ ही ग्राम पंचायत की सीसी सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करवाना मुख्य प्राथमिकता रहेगी। बांसवाड़ा जिले से बिरबल कड़वा के साथ कैमरामैन KR नाइक की रिपोर्ट।